वेलकम बैक टू प्रियंका हैप्पी किचन फ्रेंड्स। आप दिवाली आ चुकी है, 2 या 3 दिन ही बाकी रह गए, तो दिवाली स्पेशल है। तो नए नए स्नैक्स और नए नए आइटम तो हम घर में बना ही रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैदे से बनी हुई एक मज़ेदार सी रेसिपी, जो बनने में बहुत ही ईजी भी है, जल्दी से बन भी जाएगी और ये टेस्टी बहुत होगी और ये बिल्कुल खस्ता सी बनेगी। देखो एकदम मज़ेदार सी, और डिज़ाइन देखा है कितना मस्त सा डिज़ाइन बनाया, एकदम यूनिक सा। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये आज मैं फिर से एक दिवाली स्नैक्स की रेसिपी जो बताने जा रही हूँ, बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना है आपको, सिंपल सी है लेकिन बहुत टेस्टी बनेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये 2 बड़ी कटोरी मैंने मैदा लिया है। आप क्वांटिटी जितने लोगों के लिए बना रहे हैं जिस हिसाब से आप ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ी कटोरी मैंने मैदा लिया है। आप इसमें ऐड कर देंगे ये स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ये अजवाइन, आधा चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चिली फ्लेक्स है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास अगर है तो आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास था तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल लिया। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अभी इसमें ऑयल, जिसे हम मोइन डालना भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पे इसमें डाल देती हूँ ये 3 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। अब इसे हाथ से एक बार ऐसे मिक्स कर लेंगे कि मोइन कितना अच्छे से डाला है कि नहीं, ज़्यादा नहीं डालना है मोइन भी, ज़्यादा नहीं मतलब बस थोड़ी खस्ता बनानी है हमें, ज़्यादा नहीं बनानी, हार्ड भी नहीं और ज़्यादा खस्ता भी नहीं, मतलब एकदम कुरकुरी सी क्रिस्पी एकदम। और अच्छे से इस मोइन को मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। तो थोड़ा सा ऑयल में और ले रही हूँ इसके अंदर, ये देखो इस टाइप से। अब इसे कम कम पानी डाल के एक टाइट साइज का डो बना लेना है। तो मैंने इसका ये डो बना लिया है, ना टाइट है ना ज़्यादा लूज है, एकदम परफेक्ट डो इसका बन गया है। अब इसका थोड़ा सा इसमें ऑयल ग्रीस करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब इसे एक बार देख लेते हैं, एकदम बढ़िया हो गया है मैदा। अब थोड़ा सा इसको हाथ से यूं मसल के आटे मैदे को इसको 2 इक्वल भाग में हमको बांट लेना है। अगेन इसकी 4 भागों में बांट लेंगे हम इक्वल एकदम, ठीक है। अब करते हैं अगला काम इसका। अब एक इसका गोला लेके इसको बेल लेंगे, तो आकार का तो कुछ कह नहीं सकती पर इस तरह से बेल लेना है। और इसे अब क्या करेंगे ना, एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। ऐसी जो हमने बाकी की लोइयां तोड़ी थी उन्हें भी बेल लेंगे। अगर बेलने में दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा ऑयल लगा लूं। तो मैंने 4 रोटियां जो मैदे की थी मैंने बेल ली। अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमें इस पर ऑयल ग्रीस करके एक के ऊपर एक रोटी लगती जानी। तो ये 4 एक साथ रख ली है। अब इसे क्या करना, बड़े आकार का बेल लेना है। तो अब क्या ये चकली पे तो आएगी नहीं, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं काम करती हूँ, मैं थाली ले लेती हूँ जिसपे इसको चारों तरफ से अच्छे से बड़ा बेल लूँगी मैं इसको। तो ये मैंने बेल लिया इसको, अब इसको क्या करेंगे ना,
ऐसे काट लेंगे। इस तरह से मैंने इसके 6 से कर लिए हैं, 6-7 से हो गए हैं इसके कंप्लीट। अब हमें ले लेनी है ऐसे, ये देखिए लेयर एकदम सही है ऐसे। तो ये मैंने एक स्लाइस ले ली है, आप इसे हल्के ऐसे ही फोल्ड करते हुए। ये हमें ऐसे बना लेना है और लास्ट में चिप थोड़ा सा हल्का सा इस पे पानी लगा के ये चिपका देना है। ये देखो बन गया ना मस्त सा डिजाइन एकदम, और टेस्ट भी बहुत लगेगा खाने में। तो ऐसे सारे बना लेने। अगर आपको हल्का सा मोटा लगे, परत मोटी लगे, तो आप उसे बेल लीजिए, हाथ से कर लीजिए या फिर, और हल्के हाथ से रोल करते हुए यूं चिपका लेना है, थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा के, ताकि ऑयल में फ्राई करते वक्त चिपके नहीं। तो सारे ऐसे बना लेंगे अब हम। तो ये सारी मैंने ऐसे बना के रेडी कर लिए है, अब इन्हें करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे ऑयल चढ़ा दिया है गरम करने को, तो इसको गरम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इन्हें हमें फ्राई करना है। तो ऑयल हो गया है गरम, फ्लेम को कर देंगे मीडियम। ये मैंने एक चेक करने के लिए डाला था, तो अब ऐसे ही फ्राई कर लेंगे सबको। एकदम से ना हिलाएं, थोड़ा सा हल्का सा नीचे से पक जाए उसके बाद इन्हें हिलाएं, ताकि ना ये खुल नहीं जाए। तो ये देखो एक ही है, देखो ऐसे खुल गई। इसके क्या है, मैंने पानी नहीं लगाया था चिपकाते वक्त, तो अगर पानी नहीं लगाओगे ना तो ये ऐसे खुल जाएगी, इसलिए जब चिपकाओ लास्ट में कॉर्नर को तो उसके पानी जरूर लगा दें हल्का सा। कोई दिक्कत नहीं, खुल जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फिर भी लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ऐसे हल्का गोल्डन गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छे से ये पक जाए। मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, ना हाई ना ज़्यादा लो। तो ये गोल्डन गोल्डन फ्राई हो गई है सारी, एकदम अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई है, ज़्यादा जलाना नहीं है। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखो अब बाकी की भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार सी दिवाली स्पेशल स्नैक्स रेसिपी बन के बिल्कुल रेडी है। आपने खुद से देखा होगा कितने कम टाइम में ये बन गई, और इजी भी बहुत है। तो रेसिपी और या वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।